Hello everyone, welcome to the channel The Learning Window, and this is me Suchi Rana. So I welcome you in the lesson number 3 of vocabulary Capsa series. इस सीरीज में हम हर बार की तरह एक वोकेबलरी चूज़ करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आई हुई है ऑलरेडी. जानेंगे उसके मीनिंग को डिटेल में, सिनोनियम उसके यानी कि सिमिलर वर्ड्स, उसके एंटोनियम्स और एक एग्जाम्पल में यानी कि एक सेंटेंस में हम देखेंगे कि उस वर्ड का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और वो हमें ज़्यादा टाइम तक हमारी मेमोरी में रहेगा और हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा. सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. अभी जिन एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो सारे एस्पिरेंट्स जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं और जिसमें इंग्लिश का एक सेक्शन आता है, उनके लिए होगा ये इम्पॉर्टेंट. और पर्टिकुलरली फॉर टीचिंग एलिजिबिलिटी एस्पिरेंट्स जो कोई भी टेट का एग्ज़ाम या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए होगा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड लेट्स प्रोसीड. आज का जो हमारा वर्ड है वो है एम्बिगुअस. एम्बिगुअस ये है एक एडजेक्टिव और इसका हिंदी में अगर बात करें तो इसका मीनिंग है अस्पष्ट होना, किसी चीज़ का क्लियर ना होना. इट मीन्स समथिंग इज़ नॉट क्लियर, राइट? समथिंग इज़ नॉट क्लियर, इट इज़ एम्बिगुअस. देखते हैं इसका इंग्लिश में मीनिंग. हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग्स, यानी कि किसी एक शब्द के एक से ज़्यादा मीनिंग होना, एक से ज़्यादा अर्थ होना, उसे हम एम्बिगुअस कहेंगे, राइट? इसे हम अनेक अर्थी भी कह सकते हैं, ठीक है? अनेक अर्थी, जिसके एक से ज़्यादा अर्थ हों, एक से ज़्यादा मीनिंग्स हों, उसे हम क्या कहेंगे? एम्बिगुअस कहेंगे, राइट? देखते हैं इसके सिनोनियम्स. सिनोनियम्स मीन्स इसके सिमिलर वर्ड्स. अब इसके सिमिलर मीनिंग्स क्या होंगे? किसी चीज़ का क्लियर ना होना तो बेसिकली है कि अनक्लियर होगा, इल एलिजिबल होगा, अनरीडेबल होगा. अब अनरीडेबल कैसे होगा? आपने लिखा अनरीडेबल, ओके? यू हैव रिटन अनरीडेबल बट यू आर नॉट एबल टू रीड इट. आप इसे पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि ये क्लियर नहीं लिखा हुआ है. इट इज़ जस्ट अ फ्लो, राइट? आपने क्लियरली नहीं लिखा है सो आप इसे पढ़ नहीं पाएंगे, अस्पष्ट होगा, इसीलिए इसका सिनोनिम है अनरीडेबल. वेग का मतलब होता है नॉट क्लियर, कंटिन्यूस कोई चीज़ है लेकिन समझ में नहीं आ रही है, क्लियर नहीं है, सो वो भी एम्बिगुअस वर्ड का ही सिनोनिम है. बिग है, कोई चीज़ बहुत बड़ी है लेकिन क्लियर नहीं है, दैट इज़ एम्बिगुअस. डिग अप का मतलब भी होता है किसी चीज़ को निकालना एक तरीके से बेसिकली, सो ये एम्बिगुअस का ही सिनोनिम है. जानते हैं इसके एंटोनियम्स यानी कि इसके ऑपोजिट वर्ड्स. अब ऑपोजिट वर्ड्स क्या होंगे? जस्ट इसके उल्टा, राइट? वो क्लियर नहीं था, ये क्लियर है, ये डेफिनेट है और ये डिस्टिंक्ट है, राइट? ये बहुत क्लियर है, डेफिनेट है यानी कि निश्चित है कोई भी चीज़, सो ये क्या है? इसका एंटोनियम. अब जानते हैं इसका सेंटेंस में मीनिंग क्या होगा. ही गेव मी अ वेरी एम्बिगुअस आंसर. मैंने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा एंड उन्होंने मुझे सीधा जवाब देने की जगह उन्होंने एक अस्पष्ट रूप से मुझे जवाब दिया, सो विल से ही गेव मी अ वेरी एम्बिगुअस आंसर, ओके? अगर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आप ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ सच एन एम्बिगुअस वर्ड, यानी कि ये वर्ड बहुत ही क्या है? अस्पष्ट है. और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द सेंटेंस विच वॉज स्पोकन वॉज क्वाइट एम्बिगुअस. यानी कि जो सेंटेंस बोला गया वो क्या था? वो बहुत ही अस्पष्ट तरीके का सेंटेंस था या वाक्य था. सो इस तरीके से हम उसका सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं. एंड आई होप इट्स वेरी क्लियर टू एवरीवन. अगर आपके एग्जाम में आएगा सो आई रियली होप कि आप इसे सॉल्व कर पाएंगे. सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग अस. एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फर्गेट टू प्रेस द लाइक बटन ओवर देयर एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फर्गेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिफोर लीविंग इट सो दैट यू कैन गेट द मोस्ट लेटेस्ट अपडेट्स दैट आर गोइंग टू हैपन ऑन द चैनल. सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग.